दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में स्वागत है। और आज का वीडियो फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, खासकर जो लोग क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन में काम करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फाइनली आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि हर साल लगभग 1 फरवरी को हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा बजट पेश किया जाता है। अगर हम 2018 के बजट की बात करें, 2019-2020 के बजट की बात करें, तो हमेशा बिटकॉइन क्रिप्टोकरेंसी को लेकर के नेगेटिव न्यूज़ आती रहती थी। बिटकॉइन क्रिप्टोकरेंसी को बैन कर दिया जाएगा, प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसीज को बैन कर दिया जाएगा, एक्सचेंजों को बैन कर दिया जाएगा, इस तरीके से हम लोग न्यूज़ को देखते रहते थे। लेकिन 2022 के बजट सेशन में क्या हुआ, यहां पर बिटकॉइन क्रिप्टोकरेंसी के ऊपर सीधे 30% का टैक्स लगा दिया। जो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को लेकर के यहां पर टैक्स लगाया गया है, हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा यहां पर 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, जो कि हम सभी आप सभी जितने भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स हैं उनके लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर हम यहां पर बात करें सबसे पहले पॉइंट की, तो यहां पर सीधे लिखा हुआ है कि एनी इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एनी वर्चुअल डिजिटल एसेट शैल बी टैक्स्ड एट द रेट ऑफ 30%। इसका सिंपल से मतलब यह हुआ कि आप कोई भी प्रॉफिट करते हैं बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, तो आपको 30% का टैक्स देना ही होगा। अब हम यहां पर समझते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल लेकर के, ताकि हम सभी आप सभी जितने भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स हैं उनको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। मान लीजिए आपने 1,00,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और वो पोर्टफोलियो आपका डबल हो गया, सीधे आपका पोर्टफोलियो 2,00,000 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपने 1,00,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किया और 1,00,000 का आपको प्रॉफिट हो गया। अब जो 1,00,000 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ है उस पर आपको सीधे 30% का टैक्स देना है। मतलब ये हुआ इसका 1,00,000 माइनस 30,000 इक्वल टू 70,000। 30,000 रुपीज का आपका क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जो नेट प्रॉफिट हुआ है उसके ऊपर ये टैक्स देना पड़ेगा हमारी इंडियन गवर्नमेंट को। ये तो हो गई हमारी प्रॉफिट की बात। अब हम यहां पर बात करेंगे कि बहुत सारे लोग यहां पर कंफ्यूज हैं कि अगर हमारे को प्रॉफिट हो गया 1,00,000 रुपए का, तो मैं 30,000 तो गवर्नमेंट को पेड कर दूंगा टैक्स के रूप में, लेकिन इन केस हमारे को लॉस हो जाता है। तो मान लीजिए आपने 1,00,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किया और आपका 5,000 रुपए पे यहां पे क्या होता है, लॉस हो जाता है। सपोज 1,00,000 रुपए आपने इन्वेस्टमेंट किया और उसको आपने सोल्ड आउट किया 95,000 रुपीज पे, तो आपका 5,000 रुपए का लॉस हो जाता है। तो अगर आपको लॉस होता है तो यहां पर आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अब हम यहां पर बात करेंगे तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको प्रॉफिट भी हो जाता है लॉस भी हो जाता है, अगर दोनों केस हो जाते हैं तब आपको क्या करना है। सपोज आपने यहां पर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन ले लिया और आपने 1,00,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हो गए, आप रिस्क लेने के शौकीन हैं, आपने 1,00,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किया। अब आपने क्या किया, इसको डाइवर्सिफाई कर दिया, मतलब 50,000 रुपए का आपने बिटकॉइन बाई कर लिया, 50,000 रुपए का आपने रिप्पल क्रिप्टो करेंसी बाई कर लिया, या फिर इथेरियम क्रिप्टो करेंसी बाई कर लिया, लाइट क्रिप्टो करेंसी बाई कर लिया, कार्डेनो क्रिप्टो करेंसी बाई कर लिया, आपने कोई भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर दिया। सिंपल शब्दों में समझिए, 50,000 रुपए आपने बिटकॉइन में लगा दिए और 50,000 रुपए आपने इथेरियम में लगा दिए। अब क्या होगा, मान लीजिए बिटकॉइन का प्राइस ऊपर चला गया और आपने 50,000 रुपए जो इन्वेस्टमेंट किया था वो हो गया 70,000 रुपीज, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब आपने सोल्ड आउट किया तो 20,000 रुपीज का आपको बिटकॉइन पर प्रॉफिट हो गया। अब हम बात करते हैं जो आपने दूसरा इन्वेस्टमेंट किया था 50,000 रुपए का इथेरियम क्रिप्टो करेंसी में, उसको आपने सोल्ड आउट किया 40,000 रुपए में। अब आप सोचिए इसमें क्या हुआ, 50,000 इन्वेस्टेड माइनस 40,000 सोल्ड, यहां पर आपको 10,000 रुपीज का लॉस हो जाता है। अब क्या करना है, 20,000 रुपीज का आपको बिटकॉइन में प्रॉफिट हुआ था,
10,000 रुपीज का आपको इथेरियम क्रिप्टो करेंसी में लॉस हो गया। अब क्या करना है, यहां पर 20,000 - 10,000 इज इक्वल टू 10,000 रुपीज। बहुत सिंपल सी बात है, जो आपका नेट प्रॉफिट हुआ 10,000 रुपीज, इस पर आपको टैक्स देना है 30% का। 10,000 रुपीज का जो 30% टैक्स होता है वो 3,000 रुपीज होता है। ये आपको पेड करना है फाइनेंशियल ईयर में। आप लोग खुद सोचिए, यहां पर सोचने वाली बात है, जो भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हां, जहां अभी तक बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को लेकर के हमारी इंडियन गवर्नमेंट बहुत ही ज्यादा निगेटिव थी, आज यहां पर पॉजिटिव बात कर रही है, रेगुलेशंस के बारे में बात कर रहे हैं, एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे मीम्स चल रहे हैं कि अगर मेरा प्रॉफिट हुआ तो उसमें से इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स देना है, मतलब माई प्रॉफिट योर प्रॉफिट, और उसके बाद में अगर लॉस हो गया हमारे को तो मेरा लॉस, माई लॉस, माई लॉस। ये तो बहुत ही ज्यादा गलत है। रियलिटी ये है कि ये गलत है, लेकिन हम सभी, आप सभी के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग, आप लोग मिल करके ऑप्शन निकालेंगे। ऐसा नहीं है कि ऑप्शन सॉल्यूशन नहीं है, या फिर यहां पर प्रॉब्लम हो गई है तो सॉल्यूशन नहीं है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन भी आता है। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड हैशटैग लगा करके रिड्यूस क्रिप्टो टैक्स हैशटैग कीजिए, वीडियो कमेंट सेक्शन में करिए, हर जगह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल कीजिए वीडियो को, अपनी वॉइस को रेज कीजिए। क्योंकि आप खुद सोचिए, 5-10 करोड़ लोग हो चुके हैं आज की डेट में बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी यूजर्स, और सब लोग अगर चाह लेंगे तो यहां पर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को जो 30% टैक्स है वो कम किया जा सकता है। अब हम यहां पर बात करेंगे दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि नो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर आर अलाउंस शैल बी अलाउड व्हाइल कंप्यूटिंग सच इनकम्स एक्सेप्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इसको हम सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। सिंपल सी बात यह है, एग्जाम्पल लेकर के समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपने 1,00,000 रुपए बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर दिया और आपने उसको सोल्ड आउट किया 1,50,000 रुपए में, आपको सीधे 50,000 का प्रॉफिट हो गया। अब यहां पर 50,000 रुपए का जब प्रॉफिट हुआ तो आपको टैक्स देना है 30% का, मतलब 5 × 3, सीधी सी बात है 15,000 रुपीज आपका हो जाएगा, 30% टैक्स ऑन 50,000 रुपीज, तो 15,000 रुपए आपको टैक्स पेड करना होगा। ये जो नो डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर, ये जो लाइन लिखी है, इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि आप खुद सोचिए, अगर आपने बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में कदम रखा तो आपने यहां पर टाइम का एक्सपेंड किया, आपने अपना समय खर्चा किया, उसके बाद में आपने मोबाइल फोन खरीदा या फिर लैपटॉप खरीदा या फिर पीसी खरीदा आपने, उसके साथ में हो सकता है आपने बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स खरीदा हो, फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स खरीदा हो, या फिर आपने कोई भी बुक खरीदी हो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, ट्रेडिंग से रिलेटेड, लर्निंग के लिए। तो यहां पर आपका जो खर्चा होता है वो उसमें डिडक्ट नहीं होगा, जो आपका 15,000 रुपए टैक्स है उसको आपको देना ही पड़ेगा, उसमें कोई भी कंप्रोमाइज नहीं होने वाला है। तो ये था दूसरा पॉइंट आप सभी लोगों के लिए। अब हम बात करते हैं यहां पर तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि TDS will be imposed on payment for the transfer of crypto asset at a rate of 1% for transactions over a certain threshold। इसका मतलब बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करते हैं कि हम सभी, आप सभी जितने भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स हैं, वो लोग कहीं ना कहीं बिटकॉइन बाई करते हैं तो बिटकॉइन सेल भी करते हैं, अगर इथेरियम बाई करते हैं तो इथेरियम को सेल भी करते हैं। आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी बाइंग करें चाहे सेल करें, 1% आपको टैक्स देना ही देना है,
1% का जो TDS होने वाला है वो आपका चार्ज कटना ही कटना है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपने ट्रांजेक्शन किया, 1% आपका कट गया। मान लीजिए आपने 1,00,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किया, तो 1,000 रुपए आपका क्या होगा, 1% कट जाएगा TDS के रूप में। आपने उसके बाद सेल कर दिया तो 1,000 रुपए फिर से कटेगा। उसके बाद आपने फिर मान लीजिए बाई किया तो फिर 1% कटेगा। फिर आपने बाई सेल किया फिर आपका 1% कटेगा। कहने का मतलब हर एक ट्रांजेक्शन्स पर आपका 1% चार्ज कटेगा, जो कि ये बहुत बड़ा TDS होता है मेरे हिसाब से। क्योंकि आप खुद सोचिए कि जो लोग इंट्राडे ट्रेडर हैं, जो लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, पता चले उनको प्रॉफिट हो ही ना और ट्रांजेक्शन TDS कटते 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 उनका जो कैपिटल अमाउंट है वही बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। तो इसलिए ये सारी चीज़ें बहुत ही गलत हैं, लेकिन हमारी इंडियन गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। अभी इस पर टैक्स जो लगाने जाने की यहाँ पर प्रोसेस चल रहा है उस पर भी सोचना चाहिए, और जो 1% का TDS आने वाला है उस पर भी सोचना चाहिए। तो कहने का मतलब आप कुछ भी बाई करें, कुछ भी सेल करें, उस पर 1% का TDS लगने वाला है। और दूसरी बात, जो लोग गिफ्ट प्रोवाइड करते हैं, आप लोगों को भी पता होगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो गिफ्ट प्रोवाइड किया करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए हमारी फैमिली में मेरे पिताजी ने मुझे 1,00,000 रुपए कैश में गिफ्ट दिया, तो हम इस पर कोई भी टैक्स गवर्नमेंट को पेड नहीं करते हैं। मान लीजिए हमारी मदर ने हमें 1,00,000 रुपए का यहां पर कैश गिफ्ट में दिया, उस पर भी हमें टैक्स नहीं देना है। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे पिताजी ने 1,00,000 रुपए बिटकॉइन खरीद करके हमारे को गिफ्ट दे दिया, तो उस पर 30% का टैक्स लग जाएगा। कहने का मतलब कोई भी गिफ्ट होगा, अगर क्रिप्टो करेंसी में गिफ्ट दिया जा रहा है तो वो टैक्सेबल होगा। सिंपल सी बात है। अब हम बात करेंगे यहां पर चौथे नंबर जो पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो ये है कि बाय 2023 मतलब आने वाले साल में ए ब्लॉकचेन बेस्ड एंड RBI बैक्ड सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी विल बी इंट्रोड्यूस्ड। आप लोग खुद सोचिए, मैं CBDC की बात हमेशा करता रहता हूं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, चाहे वो RBI को हो और या फिर अदर कोई कंट्री की हो, हर जगह CBDC लॉन्च हो रहे हैं, ट्रायल वर्जन में लॉन्च हो रहे हैं और उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। उसी तरीके से अगले साल, आने वाले अगले साल यहां पर क्या होने वाला है, एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस्ड यहां पर और RBI बैकअप करेगा, एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इंट्रोड्यूस होने वाली है, जो कि हम सभी, आप सभी जितने भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी वाली बात है। रीजन कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश कर रहे हैं और इस पर लर्निंग भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर हम पूरा कंक्लूजन निकालने की कोशिश करें तो यही 2015 की बात करें, 2016 की बात करें, 2017 की बात करें, हमारी इंडियन गवर्नमेंट चाहे बात कर ले, चाहे हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म न्यूज़ चैनल्स की बात कर ले, चाहे हम RBI की बात कर ले, सुप्रीम कोर्ट की बात कर ले, SEBI की बात कर ले, फेरी फेमा की बात कर ले, फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात कर ले, आप किसी को भी बात कर लीजिए, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड इंडिया में कोई भी बात नहीं करता था। लेकिन आज हम सभी, आप सभी जितने भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी वाला दिन है कि आखिर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के ऊपर टैक्स लगाया गया। हाँ, टैक्स ज्यादा है, नो डाउट, हम सभी, आप सभी जितने भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स हैं बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन फिर भी हमारे लिए यहां पर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का बहुत ही ज्यादा फ्यूचर ब्राइट होने वाला है, पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है। इसलिए हमें सिर्फ टैक्स से परेशान नहीं होना चाहिए। आने वाले टाइम में अभी कहा गया है 30%, हो सकता है हम सभी, आप सभी जितने भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स हैं, अगर एक यूनिटी लग जाए, हम लोग एकता बना लें और कमेंट करना स्टार्ट कर दें, ट्विटर पर पोस्ट मारना स्टार्ट कर दें, अपनी वॉइस को रेज करना स्टार्ट कर दें, पिटीशन फाइल करना स्टार्ट कर दें, तो जिस तरीके से आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा कि 2018 में RBI ने ब्लैंकेट बैन लगाया था और मैंने कहा था कि ये RBI के हाथ में नहीं है ब्लैंकेट बैन लगाना,
उसके बाद में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, फाइनली हम लोग केस जीत गए थे। उसी तरीके से यहां पर क्या होने वाला है, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर टैक्स कम करवाया जा सकता है। जी हां, क्योंकि यूनिटी में बहुत पावर होती है, 5-10 करोड़ यूजर्स हो चुके हैं आज की डेट में, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स हो चुके हैं, इतने ज्यादा पोटेंशियल है, इतना आप लोग समझते हैं टेक्नोलॉजी को, समझते हैं आप लोग, बिलीव करते हैं बिटकॉइन टेक्नोलॉजी के ऊपर, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर, क्रिप्टो करेंसी बिलीवर है, लवर है, तो आपके लिए ये यहां पर मौका है। रिड्यूस क्रिप्टो टैक्स हैशटैग के साथ में ट्विटर पर पोस्ट आज से स्टार्ट कर दीजिएगा, जिस तरीके से हम लोग लिखते हैं वी वांट लीगल क्रिप्टो इन इंडिया, इसी तरीके से आपको यहां पर भी कमेंट करके बताना है। आप लोग क्या सोचते हैं 30% टैक्स के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका क्या ओपिनियन है, सारा पॉजिटिव या निगेटिव फीडबैक कमेंट में जरूर बताइएगा। मार्केट में बहुत सारे स्कैमर्स आ चुके हैं, इसलिए आप लोग बच करके रहिएगा। जितने भी ऑफिशियल अकाउंट्स हैं वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, खासकर टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, बहुत सारी अपडेट्स आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। वीडियो में अगर 1% भी नॉलेज मिली है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि सभी लोगों को प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल सके। और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।